नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रेलवे ALP के 4 दिन के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त को है। तो आज हम उसी के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। इसके पहले भी हमने आपके लिए 13 अगस्त, 14 अगस्त इन सभी के लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैथ्स और रीजनिंग के दिए थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया था स्टूडेंट्स से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमने जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं उससे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे ही गए थे। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को देख के जाओगे तो आई एम श्योर कि आपके, मैं इस वीडियो में 12 क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो आपके 5-6 क्वेश्चंस तो पक्का ही पक्का इसी पैटर्न पे आने वाले हैं। बिकॉज रेलवे के हम जो डेली बेस्ड आपके एग्जाम जो डेली हुए 4 दिन के, उन 4 दिनों के क्वेश्चंस को देखी हूँ और 3 शिफ्ट के देखे हो, यानी कि 12 शिफ्ट आपके हो चुके हैं। तो उन 12 शिफ्ट के क्वेश्चन से हमें यही पता चला है कि आपके लगभग एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। HCF, LCM, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इन सारे चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा रीजनिंग के लिए भी हमने आपके लिए वीडियो बना के रखी है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। साथ ही साथ इसी तरीके से हम आपके लिए एक्सपेक्टेड और जो 17 अगस्त को एग्ज़ाम होंगे, 18 अगस्त को होंगे, जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे सबके क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए टाइम टू टाइम और आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, HCF ऑफ 735 एंड 49, इनका HCF, आपको HCF एंड LCM हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, हर जोन में पूछे जा रहे हैं। तो हमसे पूछा 735 एंड 49 का HCF क्या होगा, तो हमें बहुत ही ईजी है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा हमारा कॉमन में आएगा। तो आप देखो 735 49, इसे फैक्टराइज करेंगे तो 7 × 1, ये 75 और ये 7 एंड 7, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो गया, तो 7, तो हमारा HCF आ गया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके HCF बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, HCF के दो ही पूछे जा रहे हैं। हमने यहाँ पे आपके लिए 3 के लिए करा रखा है। ऐसे आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस की बात करें तो आपके दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि दो नंबर्स लिखे हुए रहते हैं और उनका HCF पूछता है, उनका LCM पूछता है। जैसे कि आपको HCF की बात करें तो एक दिन पूछा था 20, 28 एंड 48 का HCF। इस तरीके से आपके क्वेश्चन HCF के पूछे जा रहे हैं। अब देख लेते हैं LCM के क्वेश्चन। LCM के क्वेश्चन आपका है, LCM ऑफ हमसे पूछ रहा है 12, 24 एंड 72। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये देखने से ही हमें लग रहा है कि क्या होगा। आपको होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा आता है इसमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमारा होता है 72 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वैसे हम इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 12, 24 एंड 72 है, इसे हमने कर लिया 6 टाइम्स कर लेते हैं, तो 2, 4 एंड ये हमारा हो गया 12। फिर हम इसे कर रहे हैं कितने टाइम्स, अब हम इसे कर सकते हैं, तो ये हमारा कर सकते हैं 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1, 2 एंड 6। अब इसे फिर से 2 टाइम्स किया, 1, 1 एंड 3, तो 6 × 12 = 24 या 72, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आया। वैसे ही आपके LCM के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सिंप्लीफिकेशन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। तो आपके इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको जो इसे सॉल्व करने का होता है उसे आपको फास्ट करने हैं। आपको इसमें जो होता है हमारा डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ों पे आपको कमांड होने चाहिए। अगर आपके ये सारी छोटी छोटी गलतियां होती है जो अक्सर एग्ज़ाम्स में हो जाते हैं और ऑप्शंस में पता भी नहीं चलते कि हमने गलत सॉल्व किया, तो हमें ये इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से इसमें आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, इसके कैलकुलेशन में पकड़ बनानी पड़ेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 1 − 5 माइनस हमारा हो गया 2, प्लस ये हमने कर दिया तो −5 − 2 − 7 एंड −7 + 6 क्या होता है, तो −7 + 6 होता है हमारा −1 × 2 है। अब कई सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं कि पहले 2 − 1 कर देते हैं फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, यहाँ पे हमें पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 + −1 × 2 तो −2। अब ये हमारा हो गया टोटली 0, तो 5 − 0
5, 1 - 5 यानी कि -4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो हमने आपको क्या बोला स्टूडेंट्स, की गलती है यहाँ पे होती है, ये कर देंगे क्या तो 2 - 1 तो 1 हो गया, 1 × 2 तो 5 - 2 = 3 आ जाएगा, 1 - 3 आपका -2 आ जाएगा, ये भी आपको ऑप्शन में रहेगा। तो ये सारे आपको छोटे छोटे आपको गलतियाँ नहीं करनी है, यही सारे छोटे छोटे गलतियों से हमारे एग्जाम में प्रॉब्लम आते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एल्जेब्रा के क्वेश्चन, एल्जेब्रा के ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। आपसे एक दिन पूछा था कि x + 1/x का दे दिया था और x³ + 1/x³ का पूछा था। आज मैं ले रही हूँ माइनस के लिए, x - 1/x = 5 है तो x³ - 1/x³ क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, अगर पॉजिटिव रहता दोनों तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है क्या, तो अगर आपका वैल्यू है k तो k³ - 3k, और अगर नेगेटिव है तो k³ + 3k। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, हम मान लेते हैं कि इनका वैल्यू ये हमारा k है तो k का वैल्यू है 5, तो हमारा हो जाएगा 5³ - 3 × 5 तो 125 - 15 करेंगे, सॉरी प्लस आपका तो प्लस कर देंगे तो 5 + 10 140 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बेहतर तरीके से समझने के लिए आप हमारे सिंप्लीफिकेशन या एल्जेब्रा के वीडियोज़ जो हमने आपके लिए बनाया था शॉर्ट ट्रिक्स का, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेशियो में मिक्सचर का क्वेश्चन, कह रहे जिंक तथा कॉपर के 200 ग्राम मिश्रण में जिंक तथा कॉपर का अनुपात 5:3 है, मिश्रण में कितना ग्राम कॉपर और मिला दिया जाए कि अनुपात 3:5 है। कह रहे कि हमारे पास जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर है और कह रहे कि इनका रेशियो है 5:3, हमसे पूछ रहे हैं कि कितना इसमें कॉपर मिला दे कि हमारा मिश्रण जो है उसका अनुपात 3:5 हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि हमें सिर्फ कॉपर मिलाने की बात कर रहा है, जिंक मिलाने की नहीं कर रहा है, तो हम जिंक को सेम करेंगे। जिंक को सेम करने के लिए बिकॉज जिंक नहीं मिलाएंगे तो हमें दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए, तो उसके लिए फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेकेंड में 5 से। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 15:9 and 15:25। तो हमसे पूछ रहे हैं कितना कॉपर और मिलाएंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम कितना और मिला रहे हैं, तो 16 यूनिट मिला रहे हैं। बट आपका क्वेश्चन और साथ में ही हमसे बोला है कि हमारा मिक्सचर 200 ग्राम है, बट यहाँ पे हमारा मिक्सचर कितना ग्राम आ रहा है, तो 24 ग्राम, तो 24 यूनिट हम इसे कर सकते हैं, 24 यूनिट हमारे बराबर हो गया तो किसके, तो 200 ग्राम के। आपको ये सारी चीज़ यहाँ पे ध्यान देने, आपसे बोल रखा है 24 यूनिट के बारे में कि 24 यूनिट जो है हमारे 200 ग्राम के बराबर हैं, 24 यूनिट बराबर है किसके, तो 200 ग्राम के। तब हमसे पूछ रहा है किसके बारे में, तो हमसे पूछ रहा है 16 यूनिट के बारे में, तो 16 यूनिट इक्वल टू 200 × 16 / 24, तो ये हो गया 8 से किया हमारे कितने टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स, तो हमारा आ गया 400/3 यानी कि 400/3 और कॉपर मिलाएंगे तब हमारा रेशियो 3:5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आपके रुपए पैसे सिक्के से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे कर है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका मूल्य 225 रुपये है, यदि उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास बोल रखा है कि हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, इनका हमारा संख्या का रेशियो दे रखा है 8:5:3 और हमसे मूल्य दे रखा है कि टोटल मिला के 225 रुपये हैं, तो ये तो हमारा नंबर्स का रेशियो हो गया। अब हमें निकालना है रुपीज़ में इसे कन्वर्ट कर देंगे, तो अगर हमारे पास 1 रुपये के 8 सिक्के हुए तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, तो 8, और अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हो गए तो हमारे पास कितने रुपए हो गए, तो 2.5 रुपये हो गए। अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हो गए तो 75 पैसे हो गए, 0.75 रुपीज़, ये हमारा आ गया। तो हमारे पास कह रहे हैं कि टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ हैं, तो 225 रुपये, बट यहाँ हमारे पास कितने रुपये आ रहे हैं, तो आप देख सकते हो 5, 7, 5, 12, 8, 2, 10, 11, 11.25 यूनिट आ रहा है, तो 11.25 यूनिट बराबर हो गया किसके, तो 225 के। तो हमसे पूछ रहे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के बारे में, यानी 8 यूनिट के बारे में, तो 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 225 × 8 / हो गया 1125, एंड ऊपर हमारा 100 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो हम इसे अच्छे तरीके से इधर सॉल्व कर देते हैं, (8 × 100 / 1125) हो गया। तो हम इसे करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 25 से किया तो 9 टाइम्स, इसे 25 से करेंगे तो 45 टाइम्स,
9 5s आपका होता है 45 एंड से किया 20 टाइम्स तो हमारा आ गया कितना, तो 160 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो एक रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो 160। अगर 50 पैसे के पूछता तो हमें 5 यूनिट निकालने पड़ते, अगर 25 पैसे का पूछता तो 3 यूनिट निकालने पड़ते। नेक्स्ट है आपसे परसेंटेज का, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20% का 25% का 300 क्या हो गया। बहुत ही सिंपल है, 20 / 100 × 25 / 100 × 300। 0 0 कैंसल, 0 and 0 कैंसल, और ये हमारा हो गया 5 और ये 5 टाइम्स, तो हमारा आ गया कितना, तो 15 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से कर है, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रैपल क्या होगा। हम मानते हैं कि हमने वस्तु को खरीदा 100 यूनिट में, अगर उसे 4% लॉस पे बेचा तो 96 में बेचा, बट आपका क्वेश्चन कर रहा है कि 960 में बेचा, यानी 96 यूनिट बराबर है किसके, तो 960 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है क्रैमूल के बारे में, यानी 100 यूनिट किसके बराबर होगा, तो RS 960 × 100 / हो गया 96, 10 टाइम्स, तो हमारा आ गया कितना, तो 1000 रुपये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आपसे सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 10 12 and 5% का, हमसे पूछ रहा है इसका नेट डिस्काउंट पूछ रहा है कि इसका एकल डिस्काउंट, एकल छूट क्या होगी, लगातार छूट इस तरीके से पड़ रही है। तो बहुत ही सिंपल है, पहले हम 2 का निकाल लेंगे, तो 10 + 12 - 10 × 12 / 100, तो ये हमारा आ गया कितना, तो 22 - 1.2, तो ये 8 और ये हमारा हो गया 0, तो 20.8% आपका आ चुका है। फिर 20.8% में 5% का निकाल लेंगे, तो 20.8 + 5 - 20.8 × 5 / 100। अब यहाँ पे एक और 0 नीचे हमारा चला जाएगा, अब आप इसे करोगे तो 20.8 + 5 - हमारा आ गया कितना, तो 1.040। अब आप इसे टोटली सॉल्व करोगे तो 24.76% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपका साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कोई राशि 10/3% ब्याज की दर से 5 साल में 7000 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। आपको ध्यान देना, ये हमसे ना ही प्रिंसिपल दे रखा है ना ही साधारण ब्याज, ये हमसे मिश्रधन दे रखा है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज और मूलधन में रिलेशन निकाल लेंगे, तो SI इक्वल टू हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट है 10/3, तो डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, तो आपको 105, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया 2। तो हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल बाई 6। हमसे पूछ रहा है क्या, तो हमसे पूछ रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी आपका क्वेश्चन में था मूलधन, बट यहाँ पे आपका साधारण ब्याज टाइप हो गया, तो हम दोनों चीज़ निकाल लेंगे। अगर मूलधन निकाल लें तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल बाई 6 इक्वल टू 7000, तो 7 प्रिंसिपल बाई 6 इक्वल टू 7000, तब हमसे प्रिंसिपल आ गया कितना, तो 6000 रुपये। अब जैसा कि आपका क्वेश्चन हमने बोला कि हमसे गलत टाइप हो गया था, हमने SI पूछ दिया, तो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1000 रुपीस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन से, आपके 3D ज्योमेट्री 3D पूछे जा रहे हैं, तो कह रहा है किसी बेलन का ब्यास 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बेलन हमारा होता कैसा है, आपका ये सीधी होती है, यहाँ पे हमसे फिगर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से हमारा बेलन होता है, ये हमारा हो गया बेलन। अब इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, तो त्रिज्या हो गई हमारी ये वाली ब्यास दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो ये पूरे ए भी दे रखी है। ऊंचाई की बात करें तो 16 दे रखी है, तो हमसे पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया के बारे में, तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है, तो 2πRh, तो 2 × π यानी कि 22/7 × अगर आपका ब्यास 7 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो 7/2 × ऊंचाई हो गया 16, तो ये हमारा आ गया कितना, तो ये हमारा आ जाएगा 352 यानी कि 352 cm², यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति से कह रहा है tan 4θ - 50 = cot 50 - θ, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो अगर जैसे ही आपके इस तरीके के रिलेशन आते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, इस ये अगर ए हो ये अगर बी हो, तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाता है 90, तो हमारा हो जाएगा 4θ - 50 + 50 - θ = 90, तो 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया 3θ = 90, तो θ = 30, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।